हेलो एवरीवन, गूगल अकाउंट तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उसे मैनेज करना हर कोई को नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि गूगल अकाउंट को कैसे मैनेज करें जिससे कि वो इतना सिक्योर हो जाए कि कोई भी उसे हैक ना कर पाए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमेशा नई वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने गूगल अकाउंट को मैनेज करने के लिए आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने का है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको नीचे में जाने का है। आपको ये गूगल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने का है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको और एक ऑप्शन मिलेगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट का। आपको उस पर क्लिक करने का है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस होम पेज में आपके सामने लिखा हुआ है प्राइवेसी। तो इसमें आप प्राइवेसी और पर्सनलाइजेशन देख सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो इसमें आप अपने सिक्योरिटी इशू कुछ रहेगा वो आप देख सकते हैं। फिर आप जाएंगे सेकंड ऑप्शन में, ये है पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो में आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। फिर आपको नीचे में ऑप्शन दिखता है कॉन्टैक्ट इन्फो का। कॉन्टैक्ट इन्फो में अगर आप अपना पासवर्ड कभी भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए आपको एक मेल आईडी ऐड करना पड़ता है, या फिर अपना फ़ोन नंबर ऐड करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर आप अपना मेल आईडी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ आप नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड चेंज का भी ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे जाके पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसमें क्लिक करता हूँ। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो पहले यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना न्यू पासवर्ड लिखने का है, फिर यहाँ पे आपको नीचे में भी सेम पासवर्ड लिखने का है, फिर सामने में चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर देने का है, और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलेगा वेब एंड ऐप एक्टिविटी का। यहाँ गूगल आपकी सारी एक्टिविटी को आपके अकाउंट के थ्रू देखता है। आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपका लोकेशन क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप YouTube में क्या सर्च करते हैं, आपकी सारी हिस्ट्री को वो देखता है। अगर आप चाहते हैं कि गूगल वाला आपकी सारी एक्टिविटी को ना देख पाए तो आपको ये जो ऑन है उसको आपको ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे में ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है टर्न ऑफ का, टर्न ऑफ करना पड़ेगा। टर्न ऑफ करने के बाद आपको नीचे में जाना है, यहाँ पे पॉज बटन आएगा, पॉज में क्लिक करने का है। फिर पॉज में क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देने का है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका ये ऑफ हो चुका है। दूसरा में है आपका, सेकंड ऑप्शन में है आपका लोकेशन हिस्ट्री। आपको लोकेशन हिस्ट्री में क्लिक करने का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पहले से ही ऑफ करके रखा हुआ है, मतलब कि गूगल आपके लोकेशन हिस्ट्री अगर ऑफ है तो आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे वो नहीं देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका दिख रहा है YouTube हिस्ट्री का, जो ऑन है। गूगल आपका यह भी देख सकता है कि आप YouTube में क्या सर्च कर रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आप यूट्यूब में क्या सर्च कर रहे हो वो गूगल को पता चले, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसे ऑफ करना है। अभी आप देख रहे हैं ये वाला ऑन है, तो उसके बाजू में टर्न ऑफ लिखा हुआ है, उसको क्लिक करने का है। फिर नीचे में जाके आपको पॉज बटन दबाना है, फिर ओके करना है। अब आप देख रहे हैं ये आपका YouTube हिस्ट्री भी गूगल आपका नहीं देख सकता है, वो भी ऑफ हो गया है। फिर आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, डाउनलोड योर डाटा और डिलीट ए गूगल सर्विस। डाउनलोड योर डाटा में आपके जितने भी डाटा है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डिलीट ए गूगल सर्विस में आपके जितने भी डाटा है आप वो डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन आ जाता है सिक्योरिटी का, उसमें आपको क्लिक करना है। ये आपका मेन ऑप्शन है जो आपके सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने रिसेंटली कब अपनी सिक्योरिटी पासवर्ड चेंज किया था, तो यहाँ पे डेट भी बता देता है। फिर आप नीचे में आएंगे, आपका यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, आप पासवर्ड में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप पासवर्ड फिर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू पासवर्ड करना है, फिर कंफर्म न्यू पासवर्ड करना है। आप पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। यहाँ तीसरा ऑप्शन आ जाता है सिक्योरिटी का, यहाँ आपको पासवर्ड चेंज का दिखाता है, आपने लास्ट टाइम कब पासवर्ड चेंज किया था ये दिखा देता है। अभी ही मैंने अब पासवर्ड चेंज किया था आपके सामने। और अभी दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइनिंग विथ टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसका मतलब है कि आप जब कभी भी लॉगिन करेंगे कहीं पर भी, तो आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जब आप यस करेंगे तभी जाकर आप उस पर लॉगिन कर पाएंगे। इस पर मैं पहले क्लिक करता हूँ, इसमें फिर मैनेज सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, आपको टेक्स्ट मैसेज का और फ़ोन कॉल का। मैं टेक्स्ट मैसेज ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे सेंड कर लेता हूँ। आपके मोबाइल में कोड आएगा, वो यहाँ पे लिखना है, फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये टर्न ऑन कर देना है। आपका ये टर्न ऑन हो चुका है, आप जब चाहे इसे टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पर ये टर्न ऑन हो चुका है। अब जब कभी भी आप किसी भी मोबाइल से अपना लॉगिन करेंगे या किसी भी डेस्कटॉप से आप लॉगिन करेंगे, आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। आप जब वहाँ पर यस करेंगे तभी जाकर आप लॉगिन कर पाएंगे। फिर नीचे जाते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन आया हुआ है रिकवरी फ़ोन का, आप यहाँ पर फ़ोन नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको लॉगिन करना रहेगा। अभी यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आ गया रहेगा, आप चाहे तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से नंबर चेंज भी कर सकते हैं। वैसे ही सेम प्रोसेस आपका रिकवरी मेल का भी है। इसके बाद नीचे आ जाइए, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मेल आईडी के थ्रू आपने कहाँ कहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर मैनेज डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने गैलेक्सी J7 प्राइम में लॉगिन किया हुआ है। फिर बैक जाएंगे, फाइंड ए लॉस्ट डिवाइस पर क्लिक करके जिस भी मेल आईडी के थ्रू आपने लॉगिन किया हुआ है, तो आप इसके थ्रू अपने डिवाइस को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है साइनिंग विद गूगल, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से एप्लीकेशन में लॉगिन किया हुआ है और कौन कौन से वेबसाइट में आप गए हुए हैं। फिर यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने पिक्साबे वेबसाइट पर गया था, तो आप यहां पर जो आपने एक्सेस का परमिशन दिया हुआ है, आप यहां से उस एक्सेस को रिमूव कर सकते हैं। मैं यहां पे जैसे रिमूव करके आपको बताता हूं। देखिए ये रिमूव हो चुका है। आपने कई बार देखा होगा कि जब कभी भी आप किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो और पासवर्ड डालते हैं, तो आपको पहले पूछा जाता है कि आपको उस पासवर्ड को सेव करना है। अगर आप यस कर देते हैं तो वो पासवर्ड सेव हो जाता है इस मेल आईडी पे, और फिर आप यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर में क्लिक करके उन सभी पासवर्ड को आप यहाँ से देख सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। बाय बाय।